टॉपिक में हम कवर करेंगे विक्टोरियन ब्रिटेन में मजदूर की दिहाड़ी कम क्यों थी, इंडस्ट्रियलिस्ट लोग मशीनें क्यों नहीं लाना चाहते थे, कई इंडस्ट्रीज में लेबर की डिमांड सीजनल क्यों थी और कई वे इंडस्ट्रीज कौन सी थी और उनमें क्या काम होता था, कई सारे प्रोडक्ट्स सिर्फ हाथ से ही क्यों बनाए जाते थे, अपर क्लास अमीर लोग हैंडमेड चीजों को क्यों प्रेफर करते थे, अमेरिकन लोग मशीनों से बने माल क्यों लेना चाहते थे। दोस्तों, उस जमाने के विक्टोरियन ब्रिटेन में लेबर की कोई कमी नहीं थी। गरीब किसान और बेघर घुमक्कड़ लोग रोजगार की तलाश में, जॉब की तलाश में, काम के इंतजार में काफी ज्यादा नंबर्स में, यानी काफी संख्या में शहरों की ओर आ गए थे। जैसा कि आपको पहले बता ही चुका हूं, खेती बाड़ी पर अपर क्लास का कब्जा था, उन्होंने खेती की फेंसिंग कर दी थी, काम मिल नहीं रहा था, गरीब मजदूर किसान रोजी रोटी ढूंढने शहर पहुंच गया। तो ये तो मालूम ही है कि जब काम करने वाले ज्यादा हो जाएं, तो मजदूरी के भाव गिर जाते हैं, डिमांड एंड सप्लाई। वैसे दोस्तों, ये आजकल के इंजीनियर्स के साथ तो हो रहा है, बड़े बड़े सेठ लोगों ने, पॉलिटिशियंस ने, बिल्डर्स ने अपनी काली कमाई को सफेद करने के लिए गली गली में इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दिए, जगह जगह के गांव देहात में बसों में भर भर के बच्चों को इंजीनियरिंग करवाई गई। तो जब इंजीनियर और लेबर ज्यादा हो गई, इंजीनियर लेबर, तो आज नौकरियों के बाजार में कोई इंजीनियर को 8,000 रुपया महीना देने को तैयार नहीं है, उससे ज्यादा कमाई तो एक ड्राइवर की हो जाती है। बेरोजगार इंजीनियर आपको हर शहर में कोचिंग सेंटर चलाते भी मिल जाएंगे और जेई का लड्डू दिखा दिखा कर अपनी दुकान चलाकर अपने जैसे कितने ही और बेरोजगार तैयार कर देंगे। एनीवेज, लेबर ज्यादा होने की वजह से इंडस्ट्रियलिस्ट को ना तो लेबर की शॉर्टेज थी और ना ही मजदूरी यानी वेजेस की कोई फिक्र थी। मशीनों पर खर्चा करना नहीं चाहते थे, जिनमें पैसा भी काफी लगता था और साथ में इंसानी मजदूरों से छुटकारा भी मिलता था। कोई इंडस्ट्री तो ऐसी भी थी जिनमें लेबर की डिमांड सीजनल थी, यानी कि सारा साल नहीं रहती थी, साल के कुछ महीने काम रहता था और बाकी महीने काम नहीं होता था। अपने इंडिया में जैसे शुगर मिल में काम सीजनल रहता है, जब गन्ने की आवक होती है, वैसे ही इंग्लैंड में गैस वर्क्स में या ब्रेवरीज में यानी शराब खानों में ठंड के महीनों में खास तौर पर काफी काम रहता था। तो फिर इन इंडस्ट्रीज में हाई डिमांड की वजह से और वर्कर की जरूरत पड़ती थी, और वर्कर चाहिए थे, किताबों के जिल्द बांधने वाले और प्रिंटर्स को भी क्रिसमस की डिमांड पूरा करने के लिए दिसंबर से पहले और ज्यादा मजदूरों की जरूरत रहती थी। समुद्री किनारों पर भी ठंड के महीने भी वो टाइम होते थे जब शिप्स को रिपेयर किया जाता था और साफ सजाया जाता था। ऐसी सब इंडस्ट्रीज में जहां प्रोडक्शन मौसम के साथ ऊपर नीचे होती थी, इंडस्ट्रियलिस्ट आम तौर पर हाथ से की जाने वाली मजदूरी प्रेफर करते थे और वर्कर्स को केवल सीजन के लिए ही नौकरी पर रखते थे। इसके अलावा दोस्तों, ऐसे कई सामान थे जो सिर्फ हाथ से ही बनाए जाते थे। मशीनों का इस्तेमाल एक जैसी दिखने वाली स्टैंडर्डाइज चीजों के लिए होता था जो कि थोक बाजारों में बिकती। पर दोस्तों, कई बार बाजार में इंट्रिकेट यानी बारीक डिजाइन या खास तौर पर बनी चीजों की भी डिमांड होती थी। मिड 19th सेंचुरी के ब्रिटेन में कोई 500 अलग अलग तरह की छोटी छोटी हथौड़ियां थी और 45 तरह की कुल्हाड़ियां उसी टाइप की थी। इनकी प्रोडक्शन में ह्यूमन स्किल लगता था, ना कि कोई मशीनी टेक्नोलॉजी। और उसी समय के विक्टोरियन ब्रिटेन में अपर क्लास लोग जैसे एरिस्टोक्रेट्स और बॉर्जेस यानी मिडिल क्लास लोग हाथ से बनी चीजों को पसंद करते थे। हाथ से बनी हुई चीजें सफाई और क्लास दिखाती थी। जैसा कि मैं आपको अपने प्रिंट कल्चर वाले चैप्टर में बता ही चुका हूं कि कैसे अपर क्लास लोग मशीनों से छपी बाइबल पसंद नहीं करते थे, बल्कि हाथ से लिखी हुई बाइबल प्रेफर करते थे। हाथ से बनी हुई चीजें अच्छी फिनिश लिए होती थी, किसी एक के लिए बनती थी और उनका डिजाइन बड़े ध्यान से बनाया जाता था। मशीन से बनी हुई चीजें गुलाम कॉलोनियों में एक्सपोर्ट करने के लिए होती थी। दोस्तों, जिन देशों में मजदूरों की कमी होती थी, शॉर्टेज होती थी, वहां पर इंडस्ट्रियलिस्ट मशीनों का इस्तेमाल करना चाहते थे ताकि ह्यूमन लेबर की जरूरत को कम किया जा सके। ऐसा 19th सेंचुरी के अमेरिका में हो रहा था।
ब्रिटेन में मजदूरों को नौकरी रखने पर कोई दिक्कत नहीं थी, पर दोस्तों इंग्लैंड के मजदूरों की जिंदगी कैसी थी? बहुत ज्यादा मेहनत भरे काम से उनकी जिंदगी पर क्या असर पड़ता था, उन्हें नौकरियां कैसे मिलती थी, और जब उन्हें नौकरी नहीं मिलती थी तो वे अपनी जिंदगी कैसे गुजारते थे, सीजनल काम खत्म होने के बाद मजदूर क्या करते थे, मजदूरों की तनख्वाह कैसी थी, उनकी तनख्वाह किन किन चीजों पर डिपेंड करती थी, वर्कर नई टेक्नोलॉजी के खिलाफ क्यों थे, और कुछ औरतों ने मशीनों पर हमला क्यों बोला, 1840 के बाद एकदम से एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट हुई। इन सब टॉपिक्स को हम डिटेल में करेंगे अपने अगले वीडियो में। दोस्तों 5 वीडियो पूरे हो चुके हैं, आपका रिस्पॉन्स बता रहा है कि मेरे वीडियोस आपकी हेल्प करने में सक्सेसफुल हो रहे हैं। जब आप मुझे कमेंट करके बताते हैं तो क्या आपको हिस्ट्री अच्छी लग गई है या फिर इससे आपके मार्क्स में बहुत फर्क पड़ा है, तो सच मानिए मेरी मेहनत सफल हो जाती है। आप सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर कर मेरा जो हौसला बढ़ाते हैं, मैं उसका बहुत अपने दिल से थैंकफुल हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।